सो गाइस आज के इस वीडियो अंदर हम लोग बात करने वाले कॉर्निंग फोरम के बारे में। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम को ओपन करते हो तो गाइस आप लोग के सामने कुछ इस टाइप से एक फोरम आ रहा होगा जो कि आप लोग भी स्क्रीन पे देख पा रहे हो और आप लोग का इंस्टाग्राम यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वाली वीडियो को आप लोग पूरा देखना। इस वाली वीडियो अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग ये वाला प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर पाओगे। ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो अंदर बताऊंगा। तो गाइस वीडियो कहीं से भी स्किप मत करके वीडियो को पूरा देख लेना। लेकिन उससे पहले जितने मुझे चैनल पे नए पहली बार हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो अभी मैं इंस्टाग्राम को ओपन करता हूं तो गाइस देखो मेरे को कोई भी एरर कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं आ रहा है जो कि आप लोग भी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। मैं इजीली यहां पे इंस्टाग्राम को यूज कर पा रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप में से काफी सारे लोगों को इंस्टाग्राम यूज करने में इंस्टाग्राम ओपन करने में एरर प्रॉब्लम आ रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था कुछ स्टेप्स। गाइस आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है अपना इंस्टाग्राम को ओपन करने में यूज करने में, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को अब मैंने कैसे फिक्स आउट किया, आप लोग कैसे फिक्स आउट कर पाओगे, चलो आपको ए टू जेड अच्छे से बता देता हूँ। तो गाइस देखो सबसे पहले बताते हैं ये प्रॉब्लम आता क्यों है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आता गाइस हम लोग का जो इंस्टाग्राम अपडेट आता है ना, कोई छोटा बड़ा अपडेट आता है इंस्टाग्राम के अंदर, ठीक है, वो अपडेट के कारण से कभी कभी बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लेना, मैंने अपडेट कर लिया है, ठीक है। और देखो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको ठीक कैसे करना है, ठीक है। तो कई बार अपडेट करना होता है, कई बार क्या होता है कि आपका इंटरनेट के कारण से होता है, अगर आपका मोबाइल डाटा का नेट स्लो होता है ना इसके कारण से भी होता है, ठीक है। तो आपको जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो करना, देना आपका प्रॉब्लम 100% यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना इंस्टाग्राम को कुछ देर होल्ड करके रखना है। होल्ड करने के बाद आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टोरेज क्लियर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको क्लियर कैश और क्लियर स्टोरेज करना है। इससे क्या होगा कि अपना आपका जो आईडी होगा वो लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है, और फिर से आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कर लेना, उसके बाद आपको बैक आना है, ठीक है, और अपने फ़ोन के अंदर ना DNS कोड लगा लेना। उससे क्या होगा कि आपका फ़ोन का जो नेट होगा ना थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। और DNS कोड लगाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने फ़ोन के अंदर जो क्रोम ब्राउज़र उसको ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है गेम्स कंसोल, ठीक है। ये जो मैंने आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ सेम टू सेम आपको यही सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप लोग को ये वाला वेबसाइट मिलेगा जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो गेम कंसोल का। इस वेबसाइट को आप लोग ओपन कर लेना, ठीक है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस आ जाएगा। आपको ऊपर में अगर ऐड वगैरह आएगा तो आपको एक बार ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है, ठीक है। सर्च वाले बटन में क्लिक करके यहाँ पे DNS लिखना है, ठीक है। DNS लिख के जैसे आप लोग सर्च करोगे यहाँ पे आपको DNS का पोस्ट मिलेगा। DNS क्या है, इस वाले पोस्ट पे को क्लिक करना है। इस वाले पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे ओपन होगा। उसके बाद आपको इसको रन करते हुए नीचे की साइड आना है, ठीक है। नीचे की साइड आने के बाद यहाँ पे मिलेगा ग्रेट DNS कोड और डाउनलोड का बटन, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। बस आपको यहाँ पे 30 सेकंड तक वेट करना है। 30 सेकंड वेट करने के बाद आप लोगों के फ़ोन के अंदर एक DNS कोड मिलेगा। उस DNS कोड को अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई कर लेना है। और अप्लाई कहाँ पे करना है चलो आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो DNS कोड मिलेगा उसको कुछ देर होल्ड करना, तो कॉपी करने का ऑप्शन आएगा, सिंपल से उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद तो फोन का जो सेटिंग होता है सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना और यहाँ पर कैसे आप लोगों को सर्च करना है DNS, ठीक है। DNS सर्च करना, DNS सर्च करते ही गाइस आपके सामने यहाँ पे प्राइवेट DNS का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आना और यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा प्राइवेट DNS डालने का, आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइमिंग चल रही है टाइमिंग जैसे खत्म होगा आपके सामने देखो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे जो कोड मिला इस कोड को पूरा कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करना और इस कोड को ला के यहाँ पे डाल देना, ठीक है, डाल के सेव कर देना, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कर डाल के रखा है, ठीक है। तो देखो आप लोग जिस स्टेप से मैंने आपको बताया इस स्टेप से करना, देन आपका भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा तो आप लोग कमेंट के जरूर से बता देना, अगर नहीं होता तो आप लोग कमेंट कर देना तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो कोई और बताऊंगा और कोई तरीका बता दूंगा, ठीक है। बाकी चलो गाइस जितना भी कुछ सबको वीडियो अंदर को बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलो गाइस मुझे और वीडियो अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।